जब हम पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं तो वी ऑल आर डिफरेंट. हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, हम सिचुएशंस में मुख्तलिफ रिएक्ट करते हैं. तो मेजर अगर हम पर्सनालिटी को कैटेगराइज़ करें तो दो तरह के हम लोगों में कैटेगराइज़ करते हैं. एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो कि हर चीज़ में बहुत अपने आप को एक्सप्रेसिव रखते हैं, और दूसरे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने आप को अपनी सेल्फ तक जो महदूद रखते हैं और वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते. तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी, अगर आप इंट्रोवर्ट है और आपको सोशल सिचुएशंस में जाना पड़ता है तो आप कैसे अपने आप को अप्रोप्रिएट बना सकते हैं और सोशल सिचुएशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. माय नेम इज़ आमना इफ्तखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि वी ऑल आर डिफरेंट, एंड इसके ऊपर हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी जेनेटिक्स आती है, उसका होम इन्वायरमेंट आता है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस आते हैं, उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस आते हैं जो आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं. तो पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट जो होती है एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम आपके बहुत अर्ली ईयर्स से स्टार्ट होती है, टिल 18 ईयर्स की एज तक आपकी पर्सनैलिटी डिवेलप हो रही होती है. जिसमें हमने अक्सर ये देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं दे आर रियली इंट्रोवर्टेड, वो अपने अंदर ही रहते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. समटाइम्स दे कंसिडर टू बी रियली हाइपर सेंसिटिव, कि उनके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं, उनको छोटी छोटी बातें जो होती है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है, वो जल्दी दूसरों से जो होता है वो हर्ट हो जाते हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पर एक्सप्रेस करने की बात आती है उनके लिए इट बिकम रियली वेरी हार्ड. तो ऐसे लोग जब सोशल सिचुएशन में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप को इनअप्रोप्रिएट कंसिडर कर रहे होते हैं, या वो अपने आप को मिसफिट जो होते हैं वो कंसीडर कर रहे होते हैं, और वो एक अपना सोशल कनेक्शन जो होता है वो बिल्ड नहीं कर पाते हैं. तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी एडवाइजेस शेयर करूँगी कि कैसे आप अपने आप को सोशल सिचुएशंस में एडजस्ट कर सकते हो अगर आप इंट्रोवर्टेड हो. तो पहली चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी कि जो लोग इंट्रोवर्टेड है अपने, वो सबसे पहले ओवर थिंकिंग पर काम करें. जब आपकी ओवर थिंकिंग रिड्यूस होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ अपने आप को कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं. तो जब आप अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हैं तो सोशल सिचुएशन में आप एक कनेक्टिविटी फाइंड करते हैं, आप उसके साथ एसोसिएट होना शुरू कर देते हैं, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं. लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो. जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें. अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर. सेकेंडली, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप सोशल सिचुएशन में जा रहे हैं तो कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ अबाउट योर स्ट्रेंथ. अक्सर हमने ये देखा है कि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जब वो लोगों में बैठते हैं तो वो सेल्फ क्रिटिकल होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और हमेशा वो दूसरों का जो इमेज होता है वो अपने से ज़्यादा अच्छा परसीव कर रहे होते हैं, और अपने आप को जो है वो इमोशनली और अपनी पर्सनैलिटी में जो होता है वो लोड कर रहे होते हैं. तो सेकेंडली, अगर आप सोशल सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो दूसरों के सामने अपने जो आपकी गुड्स है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उनको रिकॉल करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो. और तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग इंट्रोवर्ट है और वो सोशल सिचुएशंस में जाना चाहते हैं या अपने आप को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत हेल्पफुल टूल होता है, एक बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज होती है जिसमें रोल प्लेइंग आती है, कि कुछ अपने सिनेरियोज़ को इमेजिन करें जिसमें आपकी सोशल सिचुएशंस आती है, उसमें रोल प्ले करें. उसमें आप देखें कि जो लोग आपको इम्प्रेस करते हैं, जिन लोगों से आप जल्दी मुतासर होते हैं, उन लोगों का रोल जो है वो खुद प्ले करने की कोशिश करें. तो भी दो थ्री टिप्स या दो थ्री स्टेप्स इंट्रोवर्ट लोग अपनी इस प्रॉब्लम को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी ओवर थिंकिंग को मैनेज कर रहे हो और आप अपने बिहेवियर्स जो है उसको चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो सोशल इंटरेक्शन है वो बेहतर होते हैं, आपके कम्युनिकेशनल स्किल्स बेहतर होते हैं, और आप असर्टिवली अपनी सोशल सिचुएशंस में जो है वो परफॉर्म कर सकते हो. तो होपफुली ये वीडियो उन सारे लोग जो इंट्रोवर्ट है और सोशल सिचुएशंस से अवॉइड कर रहे होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी, ताकि वो अपने आप को सोशली अप्रोप्रिएट कर सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.